कल सालमगढ़ थाना क्षेत्र में एक कोई महत्वपूर्ण घटना हुई। पिछले महीने प्रतापगढ़ पुलिस में सालमगढ़ SHO के अंतर्गत और छोटी सादरी SHO दीपक के अंतर्गत 68F की NDPS में प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाई हुई थी। जिन तस्करों की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई थी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष 6 तारीख यानी कि आज सुनवाई का दिन था, जिसमें जिन लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई उनको अपना पक्ष रखना था उन्हीं प्रॉपर्टी के संदर्भ में और उनको अपना स्पष्टीकरण वहां देना था। सालमगढ़ SHO को जो सूचना मिली उस हिसाब से कुछ लोग ये षड्यंत्र कर रहे थे जिसमें वो उस प्रॉपर्टी जो फ्रीज हुई उसके बैक डेट में दस्तावेज बना के उसको फ्रीजिंग से बचाने की कोशिश का षड्यंत्र का मामला सामने आया। इसके बाद में सालमगढ़ SHO, छोटी सादरी SHO दीपक बंजारा और धमोतर SHO की महत्वपूर्ण भूमिका में ये जो सभी षड्यंत्रकारी थे इनके लिए कुछ टीमों का गठन किया गया और सालमगढ़ SHO के उस नेतृत्व में बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई। सालमगढ़ SHO उसके बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के समक्ष अपना पक्ष रखने को दिल्ली आज जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान धमोतर SHO दीपक को सुपुर्द किया गया है। इसमें 3 लोग सुनील पिता कन्हैया दास विरागी, प्रकाश पटेल पिता नाथूलाल पटेल और गिरीश जैन पिता वर्दीचंद जैन, इन तीनों का षड्यंत्र सामने आया। मुख्य जो अभी तक के प्रथम दृष्टि अनुसंधान में मामला सामने है उसमें सुनील पिता कन्हैया दास विरागी जो NDPS के मामले में मुख्य आरोपी थे उनका रिश्तेदार है और जो वो NDPS में जो पैसा लगता था उससे जो कमाई होती थी उसमें इसका भी हिस्सेदारी थी, मतलब ये इलिसिट जो ट्रैफिकिंग हो रही थी उसकी फाइनेंसिंग में सुनील का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार था। और जब इस प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया तो इसका एक आर्थिक नुकसान हुआ तो उसने षड्यंत्र रच के और इस प्रॉपर्टी को फ्रीजिंग की कार्रवाई से बचाने के लिए इस तरह के बैक डेट में दस्तावेज कराने का षड्यंत्र इन लोगों के साथ मिलकर बनाया। अभी इन लोगों को कोर्ट में पेश करके इनका 7 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो लिया गया। अग्रिम अनुसंधान में कौन और लोग इनके शामिल थे उन दस्तावेजों के और इनके जो टेक्निकल एविडेंस है उससे स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस सभी ऐसे लोगों को आगाह करती है कि NDPS तस्करों के साथ में कोई भी व्यक्ति इस तरह की मिलीभगत करता है, तस्करी में उनका सहयोग करता है, उनको शरण देने में सहयोग करता है, उनकी फाइनेंसिंग में सहयोग करता है, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पुलिस करती है तो उस मामले में सहयोग करता है, NDPS की सभी धाराएं संगीन धाराएं हैं, उनमें भारी सजाएं हैं, तो सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि ऐसे तस्करों का किसी भी मामले में सहयोग ना करें, नहीं तो पुलिस आपके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन लोगों के खिलाफ हमने 27 और 29 NDPS की धारा को जो है लगाया है और अग्रिम कार्रवाई और अग्रिम अनुसंधान से अन्य अगर कोई धाराओं की स्थिति बनती है तो अनुसंधान स्पष्ट हो पाएगा।